अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कोविड सेंटर में फंसे कैंसर मरीज सुदीप्त की बड़ी मुश्किलें, नहीं मिल रही सुविधाएं, उद्धव ममता से गुहार, मदद करो सरकार। वासी के कोविड सेंटर में अपनी मां के साथ खड़ा यह नौजवान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का सुदीप्त धर है। सुदीप्त पिछले महीने मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां आकर वे लॉकडाउन की मुसीबत में ऐसे फंस जाएंगे कि उन्हें होटल छोड़कर क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। सुदीप्त बताते हैं कि उन्हें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। 30 अप्रैल को हॉस्पिटल जाने एम्बुलेंस की जरूरत थी, वादा भी किया था भेजेंगे, लेकिन नहीं मिली। आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा नाम सुदीप्त कांती धौड़ है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इधर आए थे और फंस गए। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे मुंबई टाटा मेमोरियल में, मेरे ही ट्रीटमेंट चालू है क्योंकि इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे कहा गया था ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस से टाटा हॉस्पिटल 30 तारीख को ले जाया जाएगा, पर वो लोग ऐसे कुछ करे नहीं और हमें बोल रहे हैं कि 2-3 दिन लेट करके हॉस्पिटल जाने को कह रहे हैं और एम्बुलेंस के कोई बात भी नहीं बोल रहे है। बता दें कि सुदीप्त उन 249 लोगों के साथ ही रहते हैं जिन्हें यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में लॉकडाउन में जबरन मुलुक जाते हुए पकड़ कर रखा गया है। दूसरे लोग यहाँ सब स्वस्थ हैं, लेकिन सुदीप्त को गंभीर बीमारी है जिसमें सुविधा और सुखमय माहौल चाहिए, जो फिलहाल यहाँ संभव नहीं है। और इसीलिए सुदीप्त उद्धव सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह उनके मुलुक पश्चिम बंगाल भेज दिया जाए। नहीं, हॉस्पिटल का अभी कोई फैसिलिटी नहीं मिली। अगर सोमवार को हमें ले जाए हॉस्पिटल तो अच्छा है, नहीं तो हमको छोड़ने का बंदोबस्त कर दीजिए कि हम खुद हॉस्पिटल जाए। और उसके बाद सरकार से निवेदन है मेरा कि घर भी छोड़ दे। तो अभी मैं चाहता हूं कि सरकार हमें सही सलामत घर छोड़ दे, क्योंकि उधर हमारा काम धाम है, अगर बैठे रहूँगा तो कुछ काम भी नहीं होगा ना। इसीलिए सरकार से मेरा दरखास्त है कि हमको सही सलामत घर छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसे भी नहीं है कि हम अपने पैसों से घर जा सके। उम्मीद है थाने जिला प्रशासन, महानगर पालिका अधिकारी और महाराष्ट्र की सरकार कैंसर पीड़ित सुदीप्त और उनकी मां की इस तकलीफ पर ध्यान देंगे और तत्काल मेडिकल मदद के साथ ही उन्हें गांव भेजने के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।